कल हमने कल की पीपीटी मैंने भेजी थी, आई होप आप लोगों ने उसको एक बार देख लिया, ताकि कल तो बेसिक्स थे लेकिन वही बेसिक सब हम जो भी चीज कर रहे हैं ना वो क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कल का सेशन, उसमें से कई सारी तो जानकारी आपको वैसे भी वेग जानकारी थी लेकिन उसके बावजूद वो करना जरूरी था, ताकि हम आगे जो भी एक स्टेप बाय स्टेप, अभी 4 दिन में हम जितना कवर कर सकते हैं आई एम ट्राइंग टू कवर, लेकिन उसको समझने के लिए वो बहुत जरूरी था। आई होप आपने सबने देख लिया। तो आज हम आज के दिन में हम करेंगे, वी विल जस्ट गो टू मोर टेक्निकल पार्ट। अभी कल हमने एक जनरल राइफल शूटिंग क्या होता है, वो जैसा है वैसा वो क्यों है, और उसके अलग अलग जैसे स्पेसिफिकेशंस हैं, इक्विपमेंट राइफल के स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वो सब देख लिया। अभी आज से आज हम उसका टेक्निकल पार्ट के बारे में कुछ जानेंगे। सो राइफल शूटिंग का जो टेक्निक है वो 2 हिस्सों में हम उसका वो बट जाता है। एक होता है पोस्चर, मतलब पोजिशन, पोस्चर मतलब पोजिशन, जो जिस पोजिशन में हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, दैट इज पोस्चर। और दूसरा है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में आता है एमिंग, ब्रीदिंग, फिगरिंग, फॉलो थ्रू, सारे बेसिकली सारे एक्शंस जो हम वहां पे लेन पे जो भी एक्शन हम करते हैं उसमें लोडिंग अनलोडिंग से लेके सारा प्रोसेस में आता है, कि हाउ हाउ यू गेट टू द शॉट। एक शॉट चलाने में आप क्या 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 एक्शंस इन्वॉल्व है, तो उसको पूरा यू नो डाइसेक्ट करके अलग अलग से हर उसके हर पार्ट को समझना है, दैट इज प्रोसेस। सो पोजीशंस में बेसिकली 3 पोस्चर्स में हम काम करते हैं। एक है प्रोन स्टैंडिंग एंड नीलिंग। स्टैंडिंग में 2-2 स्टैंडिंग है और एयर राइफल स्टैंडिंग है। बेसिक पोस्चर उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर सेम, लेकिन क्योंकि दोनों राइफल में फर्क है, डिस्टेंस में फर्क है, उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें अलग होती है। उसके बारे में वो जब वो स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में बात करेंगे तभी हम उसके बारे में वी विल टॉक मोर अबाउट इट। ओके, सो पोस्चर्स में सबसे पहले अगर कोई भी, बिफोर वी गो टू पोस्चर्स, पोस्चर्स बनाने से पहले कुछ थंब रूल्स हम फॉलो करते हैं पोजीशन सेट करने के लिए, कि क्या 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 चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है और किस तरीके से क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है पोजीशन को, और किन चीजों के किन चीजों का ध्यान और ख्याल रख के अपने पोजीशंस बनाने हैं। तो उसमें पहला जो आता है कि पैरामीटर्स ऑफ गुड शूटिंग पोजीशन, मतलब वो पोजीशन हम जो बना रहे हैं उससे हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड। वी वांट बैलेंस, वी वांट स्टेबिलिटी, और हमें चाहिए सस्टेनेबिलिटी। सही ना, अच्छे शूटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो बैलेंस पोजीशन होना चाहिए, फिर वो स्टेबल भी होना चाहिए और वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब लगातार शॉट बाय शॉट, शॉट बाय शॉट उसका बैलेंस और स्टेबिलिटी वो हम मेंटेन कर पाए। पहले शॉट में जैसा है वैसे ही 60वें शॉट में भी वही रहे, तो दैट इज सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि उसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है इसलिए उसका पोजीशन का सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है जो अफेक्ट करती है पोजीशन को, वो होता है शूटर्स एनाटॉमी, और इसको हमें ध्यान रखना है। एनाटॉमी मतलब हमारा जो ढांचा है, शरीर का जो ढांचा, या क्या कहते हैं उसको, शरीर शारीरिक हाँ क्रिया विज्ञान है मैम, जो शारीरिक क्रिया विज्ञान है। करेक्ट ना, वो शरीर क्रिया विज्ञान अलग है, एनाटॉमी इज डिफरेंट। मेरे पास होगा उसका शरीर की जो स्ट्रक्चर, बनावट होती है मैम, जो उसका शेप में, शरीर जो रचना, जेनेटिकली मिलता है, यस जो शरीर रचना, मुझे वो हिंदी वर्ड नहीं आ रहा था, शरीर संरचना। रचना बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, फिजियोलॉजी इज शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब शरीर में हमारा ये मूवमेंट जो है, मसल्स बोन्स जिस तरीके से काम करते हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ ब्रीदिंग है, हमारा चेस्ट कैसे काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा मतलब ऑल ऑर्गन इनसाइड एंड आउटसाइड वो जैसे काम करते हैं वो आता है फिजियोलॉजी। ओके, और बायोमैकेनिक्स एक वर्ड आपने सुना होगा,
उसको कहते हैं जैव यांत्रिकी, मतलब बायोमैकेनिक्स, मतलब जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, जैसे आप, हमारा एक मशीन है, वैसे बड़े मशीन जैसे काम करता है, मशीन यहाँ से उसको फोर्स डाला तो वहां से वो पुश होता है ना, जैसे मैकेनिज्म हमने कल समझा राइफल का जो मैकेनिज्म है, तो उसी तरह बॉडी भी कुछ काम करती है कि इस हाथ से मैं अगर इस हाथ पे कुछ प्रेशर दे रही हूँ, तो ये हाथ जब तक इस हाथ से उतना ही प्रेशर मैं ना दूं तब तक वो उस तरफ जाता रहेगा। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट होते हैं, कुछ मसल्स हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, है ना, जैसे अभी ये हाथ है, ऐसा है, उसको ऐसे कर रही हूँ तब अंदर के मसल्स कंप्रेस्ड हो रहे हैं और यहाँ के जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। मैम तो आप ये जो मैम आपका चीजें हैं, वीडियो नहीं आ रहा है, क्यों, आ सॉरी अपना नो कैमरा सॉरी ऑन कर लीजिए बदनाम, मैम। ओके सॉरी मैम सो, वापिस से रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा वीडियो वाला ना, ओके सो ये तीनों चीजें मैं दोबारा समझाती हूँ। ह्यूमन एनाटॉमी, बेसिक शरीर रचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारा फेस, किसी का स्क्वायर है, किसी का ओवल है, किसी का पूरा राउंड है, किसी का बहुत ही टिकुड़ा नैरो है, किसी का चौड़ा है, सो वैसे ही मतलब ये हाथ किसी के लंबे हैं, छोटे हैं, ये जो शरीर रचना है हमारी वो है ह्यूमन एनाटॉमी। ओके, वो जैसे पोजीशन हम सेट करते हैं तो उसमें वो हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपका हर शूटर का ह्यूमन एनाटॉमी जो है, शरीर रचना जो है वो अलग होगी। ठीक है, फिर फिजियोलॉजी में आता है शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब जो हम जैसे अभी कहा था ब्रीदिंग, उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज आती है, जिस तरीके से हमारे मसल काम करते हैं, बोन्स काम करते हैं, या हम हमारा ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, सारे ऑर्गन, हार्ट, एवरीथिंग, फिजियोलॉजी में हाँ सारे ऑर्गन बॉडी के अंदर या बाहर से आपको दिख रहे हैं, वो जो सारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो जिस तरीके से काम करता है वो आता है फिजियोलॉजी में। इसमें अभी इस वक्त हमारे काम का मेन है हाउ बोन एंड मसल्स वर्क एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। ओके, फिर तीसरा आता है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स में आता है जैसे कंसिडरिंग बॉडी एज अ मशीन, जैसे हमारा एक मशीन है, मशीन मैकेनिक्स मतलब मशीन का जो साइंस है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। बायोमैकेनिक्स मतलब बायो जो लिविंग बॉडीज है, इट्स बायोमैकेनिक्स इज नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन बॉडी, इट्स ऑफ वो बायोमैकेनिक्स किसी भी लिविंग चीज के लिए वो बायोमैकेनिक्स एक जैव यांत्रिकी वो शाखा है, मतलब साइंस का एक ब्रांच है जो ये चीजें स्टडी करता है। तो उसमें हमारे लिए जो आता है बायोमैकेनिक्स में, जैसे मशीन काम करता है कि एक तरीके एक जगह से आपको अगर पुल करना है तो दूसरी जगह से पुश करना पड़ेगा, तो वो जो फोर्स है, जो प्रेशर हम डालते हैं, जो फोर्स क्रिएट होता है, फिर उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, इन सारे का जो स्टडी है दैट इज बायोमैकेनिक्स। तो उसके बहुत ज्यादा डेप्थ में हम इस क्लास में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ये बेसिकली हमें उसको सिर्फ एक बेसिक लेवल पे रखना है, अभी हमें बस पोजिशन सीखने हैं। लेकिन उसमें भी जैसे ये हाथ है बायोमैकेनिक्स में, जैसे इसको अगर मैं ऐसे करना है तो ये यहाँ के अंदर के मसल्स है वो कंप्रेस्ड हो गए और ये स्ट्रेच हो गए, सो कहाँ से कितना प्रेशर डालने से कहाँ कैसे जो होता है उसका जो स्टडी है दैट इज बायोमैकेनिक्स। ये मेनली हमारे खेल में, ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव हमारा भी एक ह्यूमन बॉडी है और वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलता है, इसलिए हमारे लिए भी कुछ कुछ मायने रखते हैं ये चीजें, बट ये ज्यादा जो एक्टिव स्पोर्ट्स है, फील्ड स्पोर्ट्स है, अभी तो मेरा वीडियो ऑन है तो आपको दिखाई देना चाहिए, तो जैसे हमारा हाँ दिख रहा है मैडम। ओके, तो जो एक्टिव स्पोर्ट्स है, फील्ड स्पोर्ट्स है, जहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, उनमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ये चीजें मायने रखती है, बायोमैकेनिक्स बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि किस तरीके, जैसे रनर है, किस तरीके से उस वो पैर उठा के कहाँ रखने से उसको ज्यादा स्पीड मिलेगी या ज्यादा पुश मिलेगा, ऐसे करके उनका बहुत ज्यादा डीप होता है। हमारे खेल में वो इतना डीप इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है,
इसलिए ये यूजुअली उसको थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है, बट इसके बारे में आपको स्पोर्ट्स साइंस के आपके क्लास में आपको जरूर सिखाएंगे। तो इसके अलावा ये हो गया फिजियोलॉजी, ये शूटर्स एनाटॉमी हो गया और उसके साथ फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स भी आ गया। देन चॉइस ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट, एक तो आपका शूटर, हर शूटर के हिसाब से उसको कौन सा सूट करता है उसका, उस हिसाब से आपको उसके लिए वेपन और इक्विपमेंट, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इक्विपमेंट, चॉइस ऑफ वेपन। जैसे आपका कोई शूटर बहुत चौड़ा हाथ लंबे है तो उसके लिए बड़ा स्टॉक आप ले सकते हो, बट इफ यू हैव अ यू नो स्मॉलर स्मॉलर शूटर जिसका थोड़ा नाटा है, शोल्डर्स छोटे, हाथ बहुत छोटे हैं, तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट कौन सा वेपन इसके लिए सूट करेगा। तो उस चॉइस ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट और उसके हिसाब से उसका पोस्चर भी चेंज हो जाएगा, और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इक्विपमेंट, और लास्ट है सिस्टमेटिक सेटिंग ऑफ पोजिशन, जो मैंने कल एंड में एक्सप्लेन किया था कि ये सिस्टम हर चीज में रहना क्यों जरूरी है, और राइफल शूटर में, राइफल शूटर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है सिस्टम, क्योंकि जैसे आप कल से ही देख रहे हो इतने सारी चीजों के बारे में हम एट वन टाइम बात कर रहे हैं, और एक शॉट चलाते वक्त इतने सारी चीजें एक कोऑर्डिनेशन में चलनी चाहिए, तो अगर वो वैसे चलनी चाहिए तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए आपके काम करने का, और वो अचानक से मैच में जाके वो सिस्टम नहीं आने वाला, इसको आप डेली डे वन से जिस दिन आप पोजीशन सेट करते हो ना उस पोजीशन सेटिंग का भी अपना एक आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसी सिस्टम में आपको चलना है। तो अभी ह्यूमन एनाटॉमी आपने देख लिया, कुछ कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, और या सेम लंबाई में भी किसी का अपर बॉडी शॉर्ट है, किसी का अपर बॉडी लंबा है, लोअर बॉडी शॉर्ट है, सो ऐसे हर शूटर अलग अलग है, तो उसका एनाटॉमी अलग है, तो नेचुरली उसके लिए जो सेटिंग है वो भी अलग हो जाएंगे। तो हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने जो तीन चीजों के बारे ये क्या हो गया, अच्छा इसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे तीन क्राइटेरिया हमने जो सेट किए हैं कि जिनके ऊपर हमें हमारा पोजीशन सेट करना है और असेस भी करना है कि ये ठीक पोजीशन ठीक है या नहीं है, एक तो है बैलेंस, दूसरा है स्टेबिलिटी, और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। ओके, सो बैलेंस तो जैसे है कि हम बैलेंस हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एबिलिटी है कि एक पॉइंट पे वो वो एक लाइन ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करके कैसे खड़ा हो सकता है। ओके, सो उसमें जैसे हम दो पैरों पे खड़े होते हैं दैट टाइम ऑल्सो वी आर बैलेंस, बट हम जैसे एक पैर पे खड़े होके खड़े हो जाते हैं ना, वो तो ताड़ासन या कोई एक आसन करते हैं, उसमें एक पैर पे भी हम खड़े होते हैं उसमें भी हम बैलेंस तो मेंटेन कर पा रहे हैं, सो यू कैन इजीली बैलेंस द बॉडी इवन ऑन दैट वन पॉइंट। ओके, लेकिन बैलेंस और स्टेबिलिटी में ये फर्क है कि बैलेंस वो एक पैर पे टांग पे भी हम खड़े हैं तो भी बैलेंस है, बट स्टेबिलिटी हमारा इतना अच्छा नहीं है। जब दो पैरों पे हम खड़े हो जाते हैं तो बैलेंस भी है और स्टेबिलिटी इज बेटर देन, जो एक पैर पे खड़े थे उससे बेटर स्टेबिलिटी है। जब हम बैठ जाते हैं कहीं पे भी बैठ जाते हैं तो जब पहले जो दो पैर पे हम खड़े थे उससे ज्यादा बैलेंस तो तभी भी है लेकिन हमारा स्टेबिलिटी बेटर है, और जब हम पूरी तरह से लेट जाते हैं जमीन पे तभी भी बॉडी बैलेंस्ड है बट स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, मोस्ट द बॉडी इज मोस्ट स्टेबल एट दैट टाइम। ओके, तो जरूरी नहीं कि बैलेंस जो पोजीशन है वो स्टेबल हो, स्टेबल स्टेबिलिटी इसलिए बैलेंस तो करना है पहले पोजीशन, उसके बाद उसका कितना किस तरीके से उसको हम और ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं, तो पहले तो बैलेंस करना है उसके बाद उसके लिए और किस तरीके से उसको और स्टेबल किया जा सकता है वो करना है, और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज
एबिलिटी टू कंटिन्यू और टू बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम इन द सेम पोजिशन. ओके, सस्टेनेबिलिटी का ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि जो आज है उसको, आज जो है उसी को तुम कितने बार 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 कंटिन्यू कर सकते. तो सेम पोजिशन बैलेंस स्टेबिलिटी तो मिल गई, लेकिन उस पोजिशन को आप जैसे लोडिंग अनलोडिंग शूटिंग इसके बीच में कुछ नेक्स्ट शॉट के लिए क्या आप उसको मेंटेन कर पाओगे उस पोजिशन, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. तो अभी देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को क्या क्या अफेक्ट करता है. जैसे हमने देखा कि एक एक टांग पे भी हम बैलेंस्ड है बट स्टेबिलिटी बहुत वीक है. क्यों क्यों वीक है? क्योंकि हम एक टांग पे खड़े हैं. ठीक है, एक होता है बेस ऑफ सपोर्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बेस ऑफ सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अ ग्रेविटेशनल लाइन. ओके, सो जब सेंटर, अभी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जिसके हम जिस जो हम सोचते हैं कि जिसके अराउंड हमारा बॉडी का सारा वेट जो है वो सेंटर्ड है. ओके, तो ऐसे नहीं कि आप पोजीशन में ढूंढने मत लग जाओ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है. इट्स अ फीलिंग. ओके, फीलिंग ऑफ बैलेंस दैट शूटर एवरी बॉडी हैज. ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब एक आदमी खड़ा होता है तो जनरली हमारी जो नाभि होती है उसके अराउंड वो उसके थोड़ा सा नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. तो जब हम जब आप एक टांग पे और जब एक टांग पे हम खड़े हो जाते हैं तो बेस ऑफ सपोर्ट जो है हमारा वो बस एक, वो एक पैर पे हम खड़े हैं. ओके, वो छोटा हो गया कंपेयर टू आवर बॉडी, वो बेस ऑफ सपोर्ट छोटा है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं पर है तो इसलिए वहां स्टेबिलिटी थोड़ी कम है. जैसे ही हम दो टांगों पे खड़े हो जाते हैं तो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट ये दो टांगों के बीच में, तो ये पहले जो एक टांग पे खड़े थे अभी दो टांगों पे खड़े हैं, तो बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया. बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है जहां पहले था लेकिन बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया, इसलिए वी आर मोर स्टेबल. फिर हम जब से चौकड़ी मार के अब जमीन पे बैठ गए तो नेचुरली आपके सारे मतलब दोनों पैर आपके जमीन पे फैले हुए हैं, हिप का सपोर्ट ले रहे हैं, तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट और बढ़ गया और ज्यादा सपोर्ट ले रहे हैं हम ग्राउंड से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो गया, नीचे आ गई बॉडी एकदम से. हाँ, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल जो पॉइंट है वो आ गया जमीन के पास, मतलब ग्रेविटेशनल लाइन छोटी हो गई तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है. और हम जब पूरी तरह से लेट जाते हैं जमीन पे, आगे पेट के बल लेट जाओ या पीठ के बल, दोनों ही सूरतों में क्या होता है कि हमारा पूरा ये जो पूरा बॉडी बिकम्स बेस ऑफ सपोर्ट, पूरा का पूरा हम जमीन, पूरा जमीन पे फैले हुए हैं तो बेस ऑफ सपोर्ट इतना ज्यादा हो गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी वही है जैसे पहले था, तो वो जमीन के इतने पास आ गए नीचे, तो जिसके वजह से वो और ज्यादा स्टेबल हो गया. ओके, सो ये बेसिक आप समझो, फिर मैं पोस्चर वाइज आपको बताऊंगी कि कैसे ये चीजें हमें कैसे, हाउ डू वी यूज दिस थिंग, ये कैसे हम यूज करते हैं. और लास्ट इसमें जो पॉइंट है कि इंक्रीज्ड बॉडी मास, मतलब जैसे हमारा बॉडी वेट ज्यादा होता है कोई भी भारी चीज जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है. सिंपल सा ये है, अभी जैसे ये मेरा जार है. ओके, अभी ये ऊपर चौड़ा है नीचे छोटा है, और यहाँ अगर ऊपर मैं कुछ ज्यादा वेट डालूं तो उसको टॉपल करना मेरे लिए आसान होगा, लेकिन वही वेट अगर मैं नीचे डालूं तो उसको गिराना इतना आसान नहीं होगा. और जितनी भारी चीज है वो जैसे अगर हम मैं जैसे फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में जब बात करती हूँ तो हमेशा बताती हूँ कि एक पेपर है उसको आप एक उसको लटका दो कहीं पर हवा में, और उसके साथ साथ एक कार्डबोर्ड का पुट्ठा जो होता है उसको लटका दो, हवा आएगी तो कौन ज्यादा हिलेगा, है ना? क्योंकि कार्डबोर्ड का जो पुट्ठा है वो हेवी है वो कम हिलेगा, और पेपर क्योंकि वो हल्का है वो ज्यादा हिलेगा. बहुत बहुत ही सिंपल सी बात है, बट इन चीजों को हमें समझना है जब हमें
की पोजीशंस और या स्टेबिलिटी के बारे में वी वांट टू अंडरस्टैंड। तो ये ही चीजें जो अभी मैंने बताई, ये इमेज के साथ, इन इमेजेस के साथ मैं आपको समझा सकती हूँ, बहुत आसानी आसान है। अभी जो येलो लाइन है नीचे, है ना, वो जो ग्रे है उसके ऊपर हमने ये ब्लॉक रख दिया, ओके, स्क्वायर ब्लॉक है और उसको रख दिया, तो वो स्क्वायर है पूरा, अच्छे से सारे तरफ से स्क्वायर है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली इन द सेंटर, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो जब हम वो ब्लॉक ऐसे सीधे में रखते हैं जैसे उसमें रखा हुआ है, उसका बेस ऑफ सपोर्ट आप देख सकते हो, मैक्सिमम जितनी उसकी विड्थ है उस पूरे ऑब्जेक्ट की, उतना बेस ऑफ सपोर्ट है, और उसका जो येलो लाइन है दैट इज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्राउंड तक जाता है, वो येलो लाइन दैट इज अ ग्रेविटेशनल लाइन, उसकी लेंथ आप देखो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप ये तो आप हम सारे ही समझते हैं कि ये बिल्कुल स्टेबल है। फिर उसको हमने थोड़ा सा उठा दिया लेफ्ट हैंड साइड से, ओके, 30 डिग्रीज उठा दिया और उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया साइड में। अब क्या हुआ, अभी वो उसका बेस ऑफ सपोर्ट हल्का सा छोटा हो गया, येलो लाइन छोटी हो गई क्योंकि उसको हमने उठा दिया एक तरफ से, ओके, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर उठ गया, जमीन से दूर हो गया। तो दिस इज ये जो दूसरा जो इमेज है उसमें आप आराम से वो सपोर्ट देने के बावजूद अगर आप उसके राइट साइड का जो एज है उसके अगर उसके ऊपर टैप करोगे तो वो उस तरफ राइट साइड पे गिर जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट इमेज इज द मोस्ट स्टेबल, सेकेंड इज लिटिल लेस स्टेबल। अभी तीसरे में आप देख सकते हो कि तीसरे इसमें हमने फिर सपोर्ट दे दिया लेकिन उसको 45 डिग्रीज में उठा दिया, ठीक है। तो 45 डिग्रीज में जब उसको उठा दिया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसमें और एक चीज कि बेस ऑफ सपोर्ट सेंटर ग्रेविटेशनल लाइन जो है बेस ऑफ सपोर्ट के जितने सेंटर में रहेगी उतना आपका बैलेंस है। अगर वो बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर चला जाता है तो आपका बैलेंस नहीं हो सकता। तो अभी भी दूसरे में भी वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है, तीसरे में आप देख सकते हो कि वो सेंटर लाइन जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट के एकदम एज पे आ गया है, बट स्टिल इट इज स्टिल देयर, ओके, फिर भी वो बेस ऑफ सपोर्ट के साथ है, एकदम एंड में आ गया है वो, लेकिन फिर भी उसके अंदर है। तो इसको फिर भी हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इसको जब तक ये सपोर्ट हम उस सपोर्ट से हम उसको पकड़ेंगे नहीं तब तक वो अच्छी उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। और तीसरे इमेज में आप देख सकते हो, तीसरे इमेज में हमने और उसको टिल्ट किया उस तरफ, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ उसको 30 डिग्रीज में कर दिया। अभी इसमें क्या हो गया, बेस ऑफ सपोर्ट छोटा हो गया, ग्रेविटेशनल लाइन तो मोर और लेस तीनों की सेम है, थोड़ी ये नीचे आ गई, तो लेकिन ग्रेविटेशनल लाइन बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर हो गई। और ये जो सपोर्ट है ये अगर ऐसा है तो फिर भी अगर उसको पकड़ा हुआ नहीं है सपोर्ट के जगह पे तो ये जो डब्बा है वो राइट साइड में गिर जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो वहां नहीं, अगर आप चाहते हो कि वो उस तरफ नहीं गिरे तो आपको सपोर्ट के साथ उसको वेल्ड करना पड़ेगा, तभी वो वहां पे रुक जाएगा, मतलब यहाँ से वो राइट में गिरने के लिए वहां उस पे प्रेशर है, मतलब वो फोर्स है जो राइट में काम कर रहा है, बट हम इस सपोर्ट के साथ उतने ही फोर्स से हम इस सपोर्ट के साथ उसको पकड़ रहे हैं ताकि वो उस जगह पे बना रहे। तो ये जो काम ये सपोर्ट करता है वेल्डिंग दैट इस पॉइंट को पकड़ के रखने का, वहां पे हमारे ये हमारा काम हमारे लिए वो काम करता है हमारे मसल। कई बार ऐसे पोजीशन में खड़े होते हैं जो बैलेंस पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है लेकिन फिर भी हम उसमें खड़े रह पाते हैं या उस पोजीशन में रह पाते हैं क्योंकि वी हैव मसल्स जो एक्टिवली काम करते हैं, ये वेल्डिंग का काम करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं, दे पुट इन सम फोर्स, जितना फोर्स आपको गिराने के का मतलब गिराने के लिए जितना फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी बॉडी पे जितना काम कर रहा है, फिर उतने फोर्स से अगर अपोजिट साइड के मसल्स आपको रोकते हैं तो फिर आप नहीं गिरेंगे, आप नहीं गिर सकते। सो
दैट इज वेयर दिस ये बायोमैकेनिक कम्स इन एक्शन फॉर अस. ओके, हमारे शूटिंग में ये जो मसल का होल्डिंग है टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, इतना हमारे लिए बायोमैकेनिक का काम है. तो ये आई होप आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी सीख लिया कि बेस ऑफ सपोर्ट और ये कैसे काम करता है. ठीक है, अभी लेट्स सी बेसिक इक्विपमेंट और उनके पर्पस और वो कैसे काम करते हैं. ये है हमारे शूटिंग जैकेट. ये मोस्टली कैनवस की बनती है, कैनवस और लेदर का मिक्सचर होता है, और उसमें आप देख सकते हो कि कैसे सामने वो बटनड अप रहता है. उसके रूल्स है, वो आपके टेक्निकल रूल में आपको बताए जाएंगे. और ये पीछे जो है राइफल जैकेट के पीछे आप देख सकते हो दोनों तरफ राइट और लेफ्ट शोल्डर पे स्ट्रैप लगे हुए हैं. राइट का जो स्ट्रैप है वो कई बार क्या होता है, आप पर्टिकुलर पोजीशन में जब आप खड़े होते हैं, स्पेशली प्रोन में जब लेटते हैं, तब ये जैकेट ऐसे उठती है और यहाँ पे फिर सारा बहुत सारे फोल्ड आते हैं. तो उसको स्ट्रेटन अप करने के लिए और उसको अच्छे से करने रखने के लिए, ताकि आपका बटलेट ठीक आए उधर, ये स्ट्रैप जो है इससे हम इसको टाइट करके उसको उस तरीके से यूज करते हैं. और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये स्ट्रैप रहता है, दिस इज फॉर राइट हैंडेड शूटर. अभी मैं जो भी बोलूंगी ये, क्योंकि राइट हैंडेड शूटर्स बहुत ज्यादा होते हैं तादाद में, लेफ्ट हैंडेड बहुत रेयरली आते हैं, तो आपको जो भी अभी बताऊंगी उसका लेफ्ट हैंडेड शूटर के लिए सब कुछ एग्जैक्टली उल्टा होगा. तो ये जो लेफ्ट का स्ट्रैप है वो है स्लिंग को फंसाने के लिए है. यहाँ जो अपर आर्म में स्लिंग लगाते हैं, तो उसको फंसाने के लिए वो इस स्ट्रैप में फंसती है स्लिंग, ताकि वो फिर आपको जहां चाहिए वहां वो टिकी रहे. ओके, और उसमें आप देख सकते हो पैचेस लगे हुए हैं आपके एल्बो को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों तरफ. एक तो थोड़ा मोटे रेगजिन या लेदर के पैचेस लगे रहते हैं, उसमें टॉप ग्रिप कहते हैं उसको, तो उसमें थोड़ा रफ टेक्सचर होता है, ताकि आपको घुटने पे जब नीलिंग में बैठे हैं तब घुटने पे या मैट पे जब लेटते हैं शूटर्स, तो अच्छा ग्रिप मिले. या इवन इन स्टैंडिंग पोजिशन आपका जब ये एल्बो यहाँ रेस्ट होता है तो उसको प्रोटेक्शन भी मिले और ग्रिप भी मिले. ठीक है, तो ये तो आप प्रैक्टिकल सेशन में आप देख लोगे. वैसे ही ये है ट्राउजर्स, उसमें भी आप देख सकते हो कि दोनों घुटनों को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्रिप मिले अच्छा, इसलिए उसमें पैच लगे हुए हैं. और पीछे की तरफ उसमें दो जीपर्स होते हैं. तो लेफ्ट ये मेनली जीपर्स काम आते हैं, जैसे कोई प्रोन पोजीशन में अगर यूज कर रहा है ट्राउजर, तो उसके उनके लिए ये तो बहुत जरूरी है. और तो जिप हम खोल के पोजीशन लेते हैं. नीलिंग में भी दोनों पैरों के जिपर्स खुलते हैं, लेकिन राइट हैंड का जिपर है वो ऊपर से नीचे खुलता है, ताकि सॉरी नीचे से ऊपर खुलता है, ताकि आपका पैर अच्छे से फोल्ड हो जाए. और लेफ्ट का जो जीपर है ऊपर से नीचे खुलता है, ताकि फोल्ड करने के बावजूद आपका ट्राउजर अपनी जगह पे बना रहे. तो ये सारी चीजें तो आप जैसे पोजीशन देखोगे तो कई सारी चीजें समझ जाओगे, या प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सेशन के लिए आएंगे तब आप देख सकते हो. और फिर ये शूज है, ये यूज होते हैं नीलिंग और स्टैंडिंग में. प्रोन पोजीशन में सिर्फ 3P में अलाउड है, 3 पोजीशन इवेंट में ये यूज करना अलाउड है. प्रोन पोजीशन का सिर्फ प्रोन का जो मैच है उसमें ये यूज करना अलाउड नहीं है. तो इसमें आप देख सकते हो कि पूरा उसका जो सोल है पूरा फ्लैटेंड है, वो जितना हो सके उतना फ्लैट रखना चाहिए, ताकि उसका मैक्सिमम एडवांटेज मिले. और एंकलेट शूज है जो आपका जो ये जो एंकल ज्वाइंट को वो सपोर्ट करता है. और उसमें आप देख सकते हैं वो जो रेड स्ट्रैप्स हैं उनको आप ये जो रेड स्ट्रैप्स देख रहे हैं, ये आप ये वेलक्रो है, इसको आप नीलिंग में खोल के जब हम बैठते हैं तब इनको आप खोल सकते हो, और फिर जिसकी वजह से फिर उसके ऊपर बैठना आसान हो जाता है. तो ये रहे शूज. देन यू कैन सी स्लिंग. अब ये स्लिंग आप देख सकते हो किस तरीके से उस स्ट्रैप में, लेफ्ट वाले स्ट्रैप में वो किस तरीके से फंसाए हुआ है.
देन यही ये सारी चीजें हमने ये सारी चीजें हमने एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है मैम। कौन सा? हाँ चैतन्या मैम, एम चैतन्या। नहीं, कौन सा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? स्क्रीन कुछ भी नहीं शेयरिंग दिखाई नहीं दे रहा है मैम, ब्लैंक आ रहा है बस। मैम दिख रहा है हम लोगों को? मैम दिख रहा आपके है जी आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आप वो देख रहे मैम, हो। यहाँ पे पूरा बारिश है मैम मैम। वो स्क्रीन पे हाँ हो सकता है। जब आप शूज वाला दिखा रहे थे ना, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन नहीं हुआ, वो उस शूज वाले पे ही अटक गया था। अभी मैम वो दिख स्क्रीन रहा वाला वापस दिखा दो एक बार। शूज, शूज वाला। अच्छा ये शूज वाला है, ओके। इसके बाद स्लिंग वाला दिखाया था मैंने। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। जी मैम हाँ तो जी ये हाँ मैम स्लिंग दिख हुआ, गया। ओके। सो आप देख सकते हो कि स्लिंग कैसे फंस गया, फंसा हुआ है। ये जो पीछे का ये जो पार्ट है, जहाँ जूम किया हुआ अभी मैंने, ये जाता है आपके आर्म में। ऐसे हम हाथ में उसको ऊपर डाल के उस वहां पे एक, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रैप में, यहाँ पे नीचे एक हुक होता है स्ट्रैप में, ये बकल के नीचे हुक है, उसमें वो फंसता है स्लिंग। और ये जो पार्ट है उसका, ये जो पार्ट है वो हैंड स्टॉप में फंसता है, ओके। यहाँ पे ये जो हैंड स्टॉप है उसमें फंसता है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे, वहां फंसता है। और इस तरीके से ये स्लिंग यूज करते हैं। कि स्लिंग क्या है, स्लिंग हमें अच्छा सपोर्ट देता है प्रोन और नीलिंग पोजिशन में। तो ये चीजें, ये इक्विपमेंट हमने कल भी देखी। एडजस्टेबल फ्रंट साइट है जिसमें उसका अपर्चर ज्यादा कम ज्यादा आप कर सकते हो, अपर्चर का रिंग भी कम ज्यादा कर सकते हो। आप देख सकते हो दोनों में, दोनों पिक्चर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का पतला रिंग है और अपर्चर भी बड़ा है, राइट हैंड साइड का रिंग मोटा है बट अपर्चर छोटा हो गया। तो वो रिंग मोटा करके अपर्चर भी बड़ा कर सकते हो, वो एडजस्टमेंट इसमें होती है, ठीक है। और अभी इसमें फिल्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। इसमें ये जो पहले नंबर्स दिख रहे हैं आपको, इसमें ये 2.9, 0.6, ये जो नंबर्स है उससे क्या होता है, ये जो पीछे होल है ना उसका अपर्चर जाए, जिसके थ्रू हम देखते हैं आगे साइट को, तो उसका साइज है ये 2.9। इसको आप जैसे ही घुमाओगे तो वो जो होल है वो छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए वैसे, आपको जिस साइज में चाहिए, आपको आगे देखने के लिए जो साइज चाहिए वैसे वो हो जाएगा। फिर उसके जो सेकेंड रिंग है आप देख सकते हो, व्हाइट है, येलो है, नीचे ब्लू कलर दिख रहा है, ऊपर ग्रे कलर दिख रहा है, दैट इज कलर फिल्टर। वो अलग अलग कलर के अंदर प्लेटें लगी होती है, और वो जैसे ही आप येलो पे रखेंगे तो येलो दिखेगा, ब्लू पे रखेंगे तो ब्लू दिखेगा, दैट इज कलर फिल्टर। और बाद में ये जो रेड रेड जो आप देख रहे हो दैट इज पोलराइजर। सो पोलराइजर क्या करता है कि जो लाइट सामने से आ रहा है वो, अभी उसके मैं बहुत ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाती, वो लाइट के उसको काट के उसका जो इफेक्ट है, कई बार जैसे कल मैं मिराज इमेज की बात कर रही थी कि हमें डबल डबल ये ऐसे दिखता है, सामने खिलता हुआ इमेज दिखता है, मतलब हमें लगता है ये इमेज इधर है लेकिन वो एक्चुअली कहीं और होता है। तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए वो पोलराइजर यूज करते हैं। और कई बार बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में वो पोलराइजर आपको हल्का लाइट का ब्राइटनेस कम करने में भी वो बहुत काम आता है, तो इसलिए 50 मीटर के लिए वो पोलराइजर यूज करते हैं। हम 10 मीटर्स पे पोलराइजर यूज नहीं करते, उसके लिए सिर्फ ये अपर्चर का वाला और कलर फिल्टर इनफ है। और ये साइट ट्रेजर ब्लॉक आप देख सकते हो कि ये आपको हम यूज करते हैं अलग अलग पोजीशन में। और ये है बैरल एक्सटेंशन, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में सारे पोस्चर्स हो जाने के बाद बात करूंगी। सो नाउ लेट्स गेट टू शूटिंग पोजीशन, ओके। पहला है हमारा प्रोन पोजीशन, ये सबसे आसान पोजीशन है इसलिए मैं इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सिंपल है समझने के लिए।
तो पहले तो उसके पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हमने अच्छे पोजीशन के लिए जो पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए हैं, बैलेंस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, तो लेट्स सी कि उसके हिसाब से ये पोजीशन कैसे बनता है, कैसे बिल्ड करते हैं हम पोजीशन, ओके okay? और किस तरीके से फिर वो सिस्टमेटिक सेटिंग ऑफ पोजीशन, उसका सीक्वेंस यूजुअली क्या होता है। तो अभी आप इसमें पैरामीटर्स में देख सकते हो कि बैलेंस, क्योंकि हम पूरा बॉडी लेटा हुआ है जमीन पे और सारा पूरा बॉडी लेटा हुआ है जमीन पे, तो यू हैव इनफ, मतलब स्टेबिलिटी भी अच्छी है, बैलेंस तो है ही, क्योंकि इतना बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइफल के साथ, राइफल का ये एडेड वेट है, इसलिए आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा राइफल की तरफ शिफ्ट हो गया। यूजुअली जैसे मैंने कहा कि नाभि, नाभि के सेंटर में होता है नाभि, या नाभि के थोड़ा नीचे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे शरीर का, लेकिन क्योंकि ये 5 किलो, 5-6 किलो का राइफल ऐड हो गया उसमें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा राइफल की तरफ शिफ्ट हो गया, बट बेस ऑफ सपोर्ट काफी बड़ा है और ग्रेविटेशनल लाइन उसके अंदर है, तो वो बैलेंस है। बैलेंस मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लंबाई में बात कर रही है। अभी हम सामने से देखते हैं उसको, तो बैलेंस और स्टेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा इश्यू है नहीं, और हम जैसे पूरे लेटे हुए हैं, आप अभी इसमें आप देख सकते हैं उसने जो दाहिना पैर है वो उसने मोड़ रखा है, राइट लेग इज फोल्डेड, ओके। तो इसके वजह से उसकी बॉडी की हमारी ये जो सिमेट्री है वो शूटर यूज नहीं कर रहा है। वैसे हम उसको स्टेबिलिटी के लिए, हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी वो इस तरीके से डिजाइन की है कि वो पूरी सिमेट्री है ना, दो आंखें हैं, दो कान है, हमारा नाक भी एकदम सीधा सेंटर में रहता है, दो हाथ है, दो पैर है। तो अगर सेंटर से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते आए हैं तो एक मिरर इमेज हमारा बन जाता है, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी नेचुरली बैलेंस है। तो इसका जो नेचुरल सिमेट्री है वो हम प्रोन में यूज कर सकते हैं, बट मतलब ये अभी उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जैसे इसमें वो दोनों पैर एक तरीके से फैला के, दोनों हाथ से अगर स्ट्रेट होके वो अपने राइफल को सपोर्ट करेगा, तो वो जो नेचुरल नेचुरल बैलेंस जो है हमारा, या नेचुरल सिमेट्री है बॉडी की, वो शूटर यूज कर सकता है प्रोन पोजीशन में। लेकिन इसमें दिक्कत एक ये है कि हमें सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, अगर सिर्फ लेटे लेटे ऐसे बैठना है और अपने आप चले गन तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। ये हमारा सिंगल बोल्ट एक्शन से काम करता है, हर बार हमें बार बार हमें वो एमो लोड करना है, लोडिंग अनलोडिंग करनी है, तो वो पोजीशन को उस लोडिंग अनलोडिंग के एक्शन में वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए पोजीशन। तो वो सस्टेनेबल हो, अगर बार बार आप जैसे ही ये हाथ, ये एल्बो आप उठाएंगे तो आपका जो पोजीशन है राइट में गिरेगा, फिर आप लोडिंग अनलोडिंग करके वापस उसको लेके आओगे, तो ये जो प्रोसेस है उसमें आपका पोजीशन बिगड़ता रहता है। और जैसे जिस लेवल की प्रिसीजन और एक्यूरेसी हमें चाहिए, प्रोन पोजीशन भी डेसिमल स्कोरिंग इवेंट है, तो वो जिस लेवल की एक्यूरेसी हमें चाहिए उसके लिए बहुत ज्यादा सस्टेनेबल पोजीशन होना जरूरी है। तो उस पोजीशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए अभी हमें अच्छा खासा ग्राउंड सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं कि जिससे हम ये पोजीशन और अच्छा सस्टेनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये तो हुआ नेचुरल सिमेट्री और यूजिंग, लेकिन क्योंकि ये हाथ बार बार हमारा हिलने वाला है, तो व्हाट वी डू इज वी शिफ्ट सारा बॉडी का जो, या राइफल का वेट सारा का सारा लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करते हैं। आप देख सकते हो वो सारा वेट शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड पे, और जैसे राइफल का वेट लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट होता है, नेचुरली उसको वहां मेंटेन रखने के लिए आपको बॉडी जो है अपर बॉडी भी थोड़ा सा लेफ्ट में रोल करना पड़ता है, ताकि सारा वेट इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे रहे और ये हाथ आपका लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्री हो जाए, ताकि
आप ये हाथ हटाओ भी तो भी आपका पोजीशन टारगेट से हिलेगा नहीं, सिर्फ लोड करो, बुलेट लोड करो, लॉक करो एंड देन यू शूट। तो वो और वो भी एक्शन मिनिमम रखने के लिए ये जरूरी है कि सारा वेट लेफ्ट हैंड पे आ जाए। तो दिस इज हाउ, तो वो सस्टेनेबल बनाने के लिए हम उसका वेट बैलेंस है जो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड पे। और वो शिफ्टिंग के लिए अगेन मैं फिर पीछे जाती हूँ, वो शिफ्ट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए ये जो राइट लेग है उसका हम सपोर्ट लेते हैं। उसको राइट लेग आप ऊपर करोगे तो ये शोल्डर राइट हैंड साइड से आपका बॉडी थोड़ा सा उठता है, तो वो वेट आपका लेफ्ट हैंड पे आने के लिए हेल्प करता है और एट द सेम टाइम वो राइट लेग आपको सपोर्ट देता है। तो ये जब आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सेशन में ये जब करोगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसका बस थियरी समझ लो आप कि ये क्यों करते हैं। नाउ दिस इज प्रोन स्पेसिफिक सीक्वेंस, कि कैसे किस तरीके से जो मैं बार 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 कल से बोले जा रही हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए आपका हर चीज करने का। और ये पहले दिन से आपको खुद भी करना है और शूटर्स को भी, अपने शूटर्स को भी इसी तरह से आपको सिखाना है। तो जैसे प्रोन स्पेसिफिक सीक्वेंस है तो उसमें प्रोन बेसिकली इसमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो सारे ही पोजीशन में वो काम आएंगे, लेकिन ये हमारा पहला पोजीशन है इसलिए हम प्रोन के हिसाब से बात करेंगे। प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट, सबसे पहले तो बेडिंग स्क्रूज चेक करो आप, ओके okay? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेडिंग स्क्रूज राइफल को स्टॉक के साथ अटैच करते हैं तो उसका जो राइफल का वाइब्रेशन है वो आपको बेडिंग स्क्रूज कितनी अच्छी तरीके से आपने टाइट करे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैरल, आपका रिकॉइल कैसे आएगा। तो बहुत ज्यादा टाइट करने से, टाइट करना भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा लूज भी ठीक नहीं है। उसका हर हर राइफल का अपना अपना बेडिंग स्क्रूज का टॉर्क होता है, मतलब कितने वजन दे के आपको वो स्क्रू टाइट करना, वो तो आपको जैसे उसके जो भी जिस फैक्ट्री से जिस मैन्युफैक्चरर से आता है वो आपको बता देगा कि कितने कितने न्यूटन मीटर्स पे आपको वो टॉर्क करना है, कितना टाइट करना है, ओके तो इसलिए चेक बेरिंग स्क्रूज। जब भी आप नया वेपन लाते हो या कहीं एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबा ट्रैवल करते हो या पीरियोडिकली जैसे 2 महीने में एक बार या एवरी मंथ व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग, बेडिंग स्क्रूज चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा है एडजस्टिंग जैकेट बटन, जैकेट के बटन जो है अभी प्रोन पोजीशन में हम जब लेते हैं वी नीड, हमें वह जैकेट के ऐसे पूरी बॉडी को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। जैकेट तो सिर्फ ये जैसे उसमें हमारे जो काम आता है वो शोल्डर का जो पार्ट है वो और ये दो हाथ, सो उसको बस अब उस जगह पे रखना है, इसलिए आप एक या दो बटन में काम हो जाता है प्रोन में। अगर आप बहुत सारे नीचे के बटन लगाओगे तो वो आपकी बॉडी को फ्रीली मूव करने नहीं देगा प्रोन पोजीशन में और फिर आपका पोजीशन बहुत ही अकड़ा हुआ हो जाएगा। इसलिए प्रोन में सिर्फ एक या दो बटन लगते हैं। कोई लंबे, बहुत ज्यादा लंबे शूटर है वो कई बार 3 बटन लगाते हैं, बट आई डोंट एडवाइज, मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर स्लिंग लेंथ जब आपको फिक्स करना है तो मैं दोबारा स्लिंग की तरफ जाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली कैसे स्लिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो स्क्रू वो जो लूप है उसका जो अंदर की एंड है, ओके ये जो पार्ट है यहाँ यहाँ से लेके इसके ये स्विवेल तक, ओके स्विवेल आपको अपने हाथ में पकड़ना है स्विवेल को। और वो जो पॉइंट है ये जो मैंने बताया, ये जो पॉइंट है एकदम जूम करके दिखा रही हूँ, ये जो पॉइंट है मतलब यहाँ पे वो फिट होता है ना, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ और ये लेंथ मोस्टली सिमिलर होती है, सेम तो नहीं होती, सिमिलर होती है। तो इसलिए जब आप पहली बार पोजीशन ले रहे हो या आपके किसी नए शूटर के साथ काम कर रहे हैं तो वो टेंटेटिव लेंथ अगर आपको जानना है तो यहाँ पे
एंड स्टॉप यहाँ पकड़ो आप हाथ में, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्लिंग का, ये जो छोर है उसको यहाँ तक पकड़ो, यहाँ इस आपके एल्बो तक। तो ये लेंथ आपका एक टेंटेटिव लेंथ फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको फिक्स करना है बट लेंथ। बट लेंथ मतलब ग्रिप से लेके जो बट प्लेट आपके शोल्डर में लगता है शूटर के, तो उसका जो लेंथ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो आपके ये इस बोन का, शूटर का जो ये बोन है इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ताकि उसका हाथ आराम से ग्रिप पे आए और वो शोल्डर प्रेशर भी सही शोल्डर प्रेशर मिले, बहुत ज्यादा ना हो या बहुत कम ना हो। बहुत कम हो जाएगा तो शूटर फिर शोल्डर ऐसे करके उसको टाइट करने की कोशिश करता है। तो ये लेंथ भी, एंड अभी तो हम बेसिक पोजीशन बेसिक बना रहे हैं, तो ये द पहले जो बट लेंथ, एक टेंटेटिव बट लेंथ चेक करना है। तो आपको क्या करना है, ग्रिप पकड़ो हाथ में राइफल का नॉर्मल, जैसे आप पोजीशन में पकड़ना चाहते हैं वैसे, और जो बट प्लेट है वो यहाँ रखेंगे ऐसे करके, राइफल ऐसे खड़ा आ जाएगा, बट प्लेट यहाँ रख के ऐसे ग्रिप हाथ में ले लो। तो ये जो लेंथ है वो आपको टेंटेटिव, जब ऐसे करते हो तो ग्रिप आराम से आपके हाथ में आना चाहिए। अगर आराम से नहीं आता है, यहाँ अगर नीचे गैप रहता है तो आपको बट खोलना पड़ेगा, और अगर ये ग्रिप आराम से हाथ में नहीं आ रहा है तो उसको छोटा करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से आपके हाथ में आए। सो ये हो गया टेंटेटिव बट लेंथ। उसके बाद हैंड स्टॉप और बट प्लेट अटैच करो। उसमें हैंड स्टॉप का कैसा है, हैंड स्टॉप का जो पोजीशन है वो इस हाथ के एंगल पे डिपेंड करता है, इसलिए आप जब इनिशियली जब पोजीशन सेट कर रहे हो तो हैंड स्टॉप कहीं पर भी फिक्स मत करो। अपने स्लिंग लेंथ फिक्स कर दिया, बट लेंथ फिक्स कर दिया, तो हैंड स्टॉप लूज छोड़ो, ताकि आप शूटर आप जब पोजीशन ले रहा है तो इस हाथ को वो रोके नहीं किसी एक जगह, इस हाथ को अपने हिसाब से उसको हाथ को मूव करने दे। तो शुरू में हैंड स्टॉप ढीला छोड़े, और बट प्लेट जो है जैसे प्रोन पोजीशन में, क्योंकि हम लेटते हैं, बट प्लेट सेंटर लाइन से ऊपर उठता है। मैं इसको, इसका मतलब बाद में दिखा दूं, यहाँ अगर आसपास है कोई पिक्चर तो मैं दिखाऊं आपको। इसमें आप देख सकते हो कि वो बट प्लेट ऊपर है, जहाँ पे चीक पीस से काफी ऊपर आ गया है बट प्लेट, स्टैंडिंग और नीलिंग में वो नीचे जाता है। तो इसको टेंटेटिवली आप पहले से ही अगर आप ये करके रखते हो तो बट प्लेट थोड़ा सा ऊपर करके रखना है, ताकि आसानी से शूटर पोजीशन ले पाए। ये हो गया। फिर पहले, सबसे पहले तो जब आप लेट लेट रहे हो लेन पे, तो अलाइनिंग बॉडी विद द लाइन ऑफ टारगेट। अभी आप सीधे सीधे टारगेट का लाइन, जैसे आप अज्यूम करो लेन के सेंटर में है, आप सीधे सीधे लेट जाओ, दोनों पैर फैला के सीधे लेट जाओ, और उसके साथ फिर जब राइफल उठाओगे तो राइफल उठा के आप अपना पोजीशन ले लो राइफल के साथ। तो जब आप शूटर पोजीशन लेगा नॉर्मली, वो सारा लेफ्ट हैंड पे जैसे प्रेशर डालने के बाद वगैरह, तो ये टेंटेटिवली ऐसे दिखेगा। व्हेन यू आर फेसिंग द टारगेट, आपका राइफल जाएगा लेफ्ट की तरफ, जाने दो उसको उस वक्त, दैट इस वक्त उसको टारगेट से लाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या जरूरी है कि आपको एक तो अपनी बॉडी को टारगेट के सेंटर के साथ अलाइन करना जरूरी है, और आपका बेसिक पोजीशन सही करना जरूरी है। तो राइफल प्रोन पोजीशन में एक मेन मेन की पॉइंट क्या है कि एक बार आपने बॉडी को अलाइन कर दिया राइफल के साथ, उसके बाद सॉरी लाइन ऑफ टारगेट के साथ, उसके बाद राइफल उठाओ, फिर पोजीशन ले लो जहाँ शूटर को आराम मिलता है लेफ्ट हैंड में, वहाँ हैंड स्टॉप फिक्स करो। देन फिर उसके हिसाब से थोड़ा स्लिंगर अगर लूज है टाइट है तो उस हिसाब से आप स्लिंग टाइट कर सकते हो। स्लिंग के बाद आता है बट प्लेट। बट प्लेट हमने ऊपर तो कर दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बट प्लेट लेफ्ट राइट भी एडजस्ट हो सकता है। तो कई बार अगर राइफल बहुत बाहर लग रहा है शूटर के, तो उसको बट प्लेट बाहर निकालने से राइफल अंदर आ जाता है, मतलब बट प्लेट का लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट है, उससे आपको राइफल शूटर अपनी तरफ ला सकता है, ताकि उसको हेड
हेड पोजीशन या चीक पोजीशन सही मिले। तो उसके बाद एक बार पहले तो राइफल उठाओ, हैंड स्टॉक का पोजीशन फिक्स करो, उसके बाद स्लिंग का स्लिंग आप एडजस्ट करो, उसके बाद बट प्लेट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेट करो, उसके बाद चीक पीस अगेन। एक बार चीक पीस पास आ गया, फिर साइड पिक्चर के हिसाब से अगेन चीक पीस लेफ्ट राइट और अप डाउन हम सेट करते हैं। ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है ना, ये किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या क्या करना चाहिए, बस दैट्स द सीक्वेंस। और ये जो सीक्वेंस है आपको बार बार फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप नए नए से पोजीशन बना रहे हो, तो फिर एक बार चिक पीस वगैरह हो गया उस वक्त ठीक लग रहा है, फिर आपको लगेगा कि शायद मेरा स्लिंग थोड़ा सा और टाइट होना चाहिए, फिर स्लिंग टाइट करो, फिर बट प्लेट को देखो, फिर चिक प्लेट को देखो, इट्स अ प्रोसेस उसको। लेकिन इस सीक्वेंस में जाओगे तो आप सही तरीके से उसको सेट कर पाओगे, और एक सीक्वेंस होना चाहिए आपको तो, ताकि जब आप जब कुछ गलती भी होती है तब उसको ढूंढना आसान हो जाए। अभी इसमें क्या है, इसमें जो दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो आपका लेफ्ट लेफ्ट हैंड का जो एंगल है बाय रूल वो 30 डिग्री से कम नहीं हो सकता, मतलब लेफ्ट हैंड का ये हाथ और फ्लोर उसके साथ का जो एंगल है, जो रेड रेड ट्रायंगल दिखा रखा है, तो उसका जो ये छोर है, ये जो है ये 30 डिग्री से कम नहीं हो सकता, दैट्स द रूल। ओके, और ये जो लेफ्ट हैंड फिगर ए में जो दिखा रखा है क्लोज शोल्डर, मैंने जो पहले इसमें दिखाया था कि टारगेट के टारगेट को फेस करके लेट जाओ ऑन क्लोज योर शोल्डर्स। ओके, और क्लोज शोल्डर्स करके अपर बॉडी रिलैक्स करेंगे तो जो पोजीशन बनता है दैट इज अ नेचुरल पोजीशन। इसमें क्या होता है, जब शोल्डर जब क्लोज रहते हैं तो शूटर को अच्छा बट का कॉन्टैक्ट अच्छा मिलता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वो बार बार वो मेंटेन कर पाता है और टाइट हो जाता है, उससे आपका पोजीशन लॉक हो जाता है। अगर आपका ये शोल्डर राइट से अगर मूविंग है या ये शोल्डर क्लोज नहीं है, बार बार खुल रहा है, तो इसका मतलब ये शोल्डर प्रेशर आपका बार बार चेंज हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको करनी है। ओके, एक बार ये पोजीशन सेट हो गया, एक रफली अच्छा टेंटेटिवली अच्छा है, शूटर को कंफर्टेबल लग रहा है, बट जैसे हमने पहले पोजीशन में देखा था, एकदम पहले पिक्चर में देखा था यहाँ पे, कि जब हम पहले इसमें तो हमने बॉडी को अलाइन कर दिया टारगेट के लाइन के साथ, टारगेट के सेंटर के साथ, लेकिन राइफल का उसका बैरल देखना आप इस पोजिशन में, बैरल इज पॉइंटिंग लेफ्ट। ओके, क्योंकि हम अभी उसको टारगेट के साथ अलाइन नहीं कर, टारगेट के साथ का जो अलाइनमेंट है वो सबसे आखिर में आता है। एक बार आपका बेसिक पोजीशन सेट हो जाए उसके बाद टारगेट के साथ आप अलाइन करो, एकदम से जाते ही पहले टारगेट ढूंढ के फिर पोजीशन ढूंढना जब शुरू कर देते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। एक बार पोजीशन ठीक बन जाए बॉडीली, फिर उसको आपको टारगेट के लाइन के साथ उसको सेट करना है। तो नाउ आप इसमें देख सकते हो कि ये जो एल्बो है उसके अराउंड पूरा पोजीशन जैसा पहले था पोजीशन वैसा ही है, लेकिन उसके अराउंड वो पोजीशन पूरा घुमा दिया ताकि उसका जो बैरल है वो टारगेट के लाइन के साथ सेंटर उसका मैच करे। तो आपका पोजीशन कुछ बिगाड़ना नहीं है, पोजीशन जैसा है वैसे ही, मतलब ये कोई भी चीज, जैसे ये बॉटल है, इसको ऐसे पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने उसको सिर्फ जैसा है वैसे ही घुमा दिया, अगर मैं उसका कोई भी एक पॉइंट खींचने की कोशिश करूंगी तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, वैसे भी वैसे ही पोजीशन का है। सिर्फ आप लेफ्ट लेग हटाओगे या राइट लेग हटाओगे तो वो आप पोजीशन बिगाड़ रहे, पोजीशन नहीं बिगाड़ना है, पूरे पोजीशन को इस पॉइंट के अराउंड गोल घुमाना है ताकि आपका ये जो बैरल है वो टारगेट के सेंटर में आ जाए। और ये अलाइनमेंट पहले पोजीशन सेट करने के बाद, उसके बाद फिर ये अलाइनमेंट होता है, तो अलाइनमेंट विथ टारगेट ये सबसे आखिर में आता है, कि आपको भी ध्यान रखना है और अपने शूटर्स को भी पता है। नहीं तो शूटर क्या करते हैं, पहले ऐसे ऐसे करके टारगेट देखे फिर बैठ जाते हैं और फिर पोजीशन ढूंढना शुरू करते हैं, वो नहीं करना है आपको। हमेशा
आपको जो लेन दिया हुआ है उसके सेंटर लाइन में स्टार्ट करना है। पहले अपना पोजीशन बनाओ और फिर टारगेट के साथ उसको अलाइन करो। अब आता है एंड में, अभी बस खत्म हो गया हमारा क्लास। एक फाइन ट्यूनिंग है कि एक बार एक बेसिक पोजीशन एक एंड में जैसे अपना बेसिक पोजीशन सेट हो गया, फिर आप अगेन थोड़ा फिर उसी उसमें आता है बट प्लेट का फाइन ट्यूनिंग। बट प्लेट में फाइन ट्यूनिंग में मेनली आता है टेल, जो 50 meters में होता है। तो वो टेल का जो टेल जिस ऐसे होना चाहिए जो बट प्लेट तो बट प्लेट का कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए आपके आर्म पिट में, लेकिन टेल जो होता है टेल पूरा आपके बॉडी के अलोंग चलना चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरफ अंदर या बाहर कहीं पर भी उसको वो प्रेस नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको आपके शूटर के बट प्लेट की फाइन ट्यूनिंग करनी है। टेल इस तरीके से आपको सेट करना है कि वो किसी भी जगह पे वो शूटर को प्रेस ना करे, क्योंकि जब रिकॉइल आता है तो जहां पे वो प्रेस प्रेशर है उस टेल पे तो वो पार्ट फ्री हो जाता है एंड देन वो उस हिसाब से राइफल को उस डायरेक्शन में पुश करता है। इसलिए टेल ऐसे होना चाहिए कि आपके आर्मपिट के अलोंग रहे, मतलब इसको टच करे बट कहीं से भी प्रेस ना करे। फिर ग्रिप है, जैसे मैंने कहा कि वो उसका लेंथ इस तरीके से हमें रखना है कि हाथ में ग्रिप आराम से आए। अभी ग्रिप से हमें लगता है कि ग्रिप से अभी मैं राइफल होल्ड करूंगा, तो होल्ड करने के लिए स्लिंग है, यू आर यूजिंग एंटायर बॉडी टू होल्ड द राइफल। ग्रिप से राइफल होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रिप का एकदम बेसिक काम यही है कि वो इस अपने ये जो हाथ है राइट हैंड है या राइट पाम है, प्रोन में तो हैंड को रेस्ट है, एल्बो रेस्ट होता है, तो इस ये ग्रिप को सिर्फ उसको ग्रिप को रखने के लिए एक जगह चाहिए, हमें इस हाथ को रखने के लिए जगह चाहिए, तो हम वो ग्रिप पे रखते हैं क्योंकि हमारा ये जो ट्रिगर फिंगर इससे अटैच है, तो ट्रिगर फिंगर के लिए ग्रिप है। तो वो ग्रिप ऐसी होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, नॉट टू टाइट नॉट टू लूज। कहते हैं जैसे चूजा होता है ना किसका मुर्गी का, उसको अगर आप पकड़ो तो ऐसे पकड़ो कि वो छूटे भी नहीं और मरे भी नहीं, इतना टाइट मत पकड़ो कि वो उसका दम घुट जाए और इतना ढीला मत पकड़ो कि वो छूट जाए। तो उसी तरह से ग्रिप पकड़नी है, ग्रिप फर्म होनी चाहिए बट टाइट नहीं होनी चाहिए ताकि आपका ट्रिगर फिंगर फ्री रहे। फिर जैसे हेड पोजीशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हेड पोजीशन से आपका साइड पिक्चर डिसाइड होता है। जब हम बट चीक पे सर रेस्ट करते हैं तो वो ऐसी जगह पे होना चाहिए, एक तो कंफर्टेबल होना चाहिए जिससे आपके नेक पे शोल्डर पे कोई प्रेशर ना आए। तो अगर वो कंफर्टेबल है तो उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो हेड पोजीशन को अगर आपको सेट करना है, फाइन ट्यून करना है, तो बेसिकली यू आर फाइन ट्यूनिंग आपका चीक प्लेट का जो सेटिंग है उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं। और बैलेंसिंग राइफल, तो अभी इसमें आप देख सकते हो कि ये बट प्लेट है, उसका टेल अलग अलग तरीके से वो मुड़ता है और बट प्लेट की सेटिंग आप देख सकते हो कितना शोल्डर में पूरा अंदर आके ऐसे फिक्स होना चाहिए कि वो किसी भी इस हाथ के मूवमेंट से भी वो हिले नहीं, ठीक है। और ग्रिप यू कैन चेक, अभी इसमें जो लेफ्ट हैंड का पहला पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं उसकी ग्रिप थोड़ी सी मुड़ी हुई है, और फिर उसको बाद में जब करेक्ट किया तब उसका हाथ सीधा हो गया है, सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं। और उसके लिए कई बार फिर शूटर्स यहाँ पे एम सील लगा के अपने हाथ के हिसाब से आप 50 meters से आप वो फ्री राइफल है तो आप अपने हिसाब से एनाटॉमिक ग्रिप बना सकते हैं आपके हाथ को, जैसे पिस्टल में ग्रिप बनता है वैसे ग्रिप आप राइफल में बना सकते हो टू गेट अ बेटर स्ट्रॉन्गर ग्रिप या बेटर सपोर्ट ग्रिप के लिए। फिर हेड पोजीशन आप देख सकते हो, हर एक का अलग अलग होता है अपने फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से, और इसमें आप देख सकते हो कि कैसे बैलेंस कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एडिशनल वेट आगे डाल दिया क्योंकि इसका हाथ राइफल को बहुत आगे से सपोर्ट कर रही है, तो बहुत सारा राइफल का वेट पीछे है,
तो आगे एकदम हल्का हो जाता है, तो रिकॉइल में राइफल ज्यादा जंप करता है क्योंकि उसकी टेंडेंसी है पीछे गिरने की, तो इसलिए आगे थोड़ा सा वेट डाल दिया ताकि वो इस हाथ पे एक तो प्रेशर अच्छा सही प्रेशर आए, स्टेबिलिटी मिले, और रिकॉइल के टाइम रिकॉइल में भी वो कंट्रोल रिकॉइल मिलता है। तो इस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है राइफल को। हम नीलिंग और स्टैंडिंग में और अच्छी तरीके से देखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं राइफल को। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने एक बेसिक पोजीशंस के बारे में समझा और प्रोन का पोजीशन रफली मैंने बता दिया। तो अभी शाम को इसी इंटरैक्टिव सेशन में इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है तो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, शाम को मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय मैडम।